Hey guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. It's me Sehrish from Sehrish Easy Life. Thank you so much jo mere channel ko support kar rahe hain aur jinhone subscribe kiya hai. So this vlog is a mixture of Saturday, Sunday and a little bit of Monday. So Saturday ko bas main inko bachcho ko park leke aayi thi and then uske baad jab hum ghar aaye to Alicia was so tired aur us din kafi weather bhi hot tha. So she's sitting next to the fan and then she fall asleep. ये अलीशु फैन के आगे बैठे बैठे सो गई है तो मैं अब इसको उठा के जो है वो क्रिब में ले डालूँगी. मेरा तो सैटरडे संडे काफ़ी बिजी गुजरता है कि सही से टाइम ही नहीं लगता कि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग कर सकूं. सो जिनकी भी बेटियाँ होंगी उनको उनके साथ की ज़रूर मसला होता होगा. सो आई हैव अ लिटिल बिट अ ट्रिक कि जो इनकी डॉल्स होती हैं उनके बाल जो बहुत ज़्यादा टेंगल हो जाते हैं और एक थोड़े से टाइम के बाद वो बहुत ख़राब हो जाते हैं. तो उनको सही करने के लिए अगर आप थोड़े से पानी के अंदर फैब्रिक सॉफ्टनर डाल के और डॉल के हेयर को उसके अंदर सोक कर दें तो उसके जितने भी टैंगल्स होते हैं वो खुल जाते हैं. सो ये वाली जो डॉल थी इसके बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ था बालों का. सो ये मैंने ऐसे ही किया सोक करके जब मैंने उसको ब्रश किया तो ये देखें बिल्कुल जो है वो टैंगल ख़त्म हो गए और बाल बिल्कुल सही हो गए. ये मेरे साथ मुझे तो ये ट्रिक बहुत अच्छा लगता है. सो टुडे इज़ मंडे नाउ और बड़ी दोनों बेटियां जो है वो माशाल्लाह स्कूल चली गई हैं एंड मैं अलीशु को रेडी कर रही हूँ बिकॉज मैं और मेरी मदर इन लॉ वी आर गोइंग आउटसाइड ताकि हम जो है वो अपने गार्डन के लिए कुछ प्लांट्स जो है वो ख़रीद सकें. सो बस अब मैं इसको जल्दी से रेडी करूँगी एंड देन वी विल गो. अलीशु जो है वो बड़ी नोटी है. जब भी मैं इसको शूज़ पहना रही होती हूँ तो ये अपने पाँव इतने हिला रही होती है और इसको कपड़े पहनाना या शूज़ पहनाना या बाल बनाना बहुत ही मुश्किल होता है. तो अभी मैंने बस इसको इसके बाल बनाने लगी हूँ बिकॉज थोड़े से बाल इसके बड़े हो गए और वो इसकी आइज़ पे आते हैं. तो मैंने सोचा कि मैं इसकी जो है वो टू पोनीज जो है वो कर दूँ. सो मैंने इसको बिल्कुल इतना हिल रही थी तो मैंने इसको जो है वो आईपैड दे के बिठाया ताकि ये अपनी नर्सरी राइम्स सुने और मैं जल्दी से इसके बाल बना दूँ. आप लोग मुझे बताएं आप लोगों के साथ जिनके छोटे बच्चे हैं वो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या इट्स जस्ट ओनली मी. क्यूट सी पोनीज बन गई. मुझे बहुत अच्छी लगती है जब मैं उसके ऊपर टू पोनीज बनाती हूँ. एक तो फेस से बाल हट जाते हैं और दूसरे बच्चे क्यूट लगते हैं. मम्मी माय मदर इन लॉ एंड अलीशा आर आउट. आज जो है वो मंडे है और फीलिंग बिट चिली टुडे. अगेन जो है वो थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया है. संडे को थोड़ी बारिश हुई थी तो अब फिर से जो है वो थोड़ा थोड़ा सा कोल्ड हो गया है वापस. बड़ी मुश्किल से इधर गर्मी आई थी और वापस जो है वो अब सर्दी स्टार्ट हो गई है. तो अब हम आए हैं यहाँ पे B&Q में. बहुत ही अच्छे यहाँ पे प्लांट्स थे तो हमने सोचा कि B&Q जाके ही हम कुछ प्लांट्स ले लें ताकि हम अपने गार्डन में लगा सकें. मेरी मदर इन लॉ को बहुत शौक है गार्डनिंग का. सो हमारे गार्डन में काफ़ी फ्रूट के ट्रीज़ लगे हुए हैं. पीच का है, पेयर का है, प्लम है, चेरीज़ हैं, एप्पल के दो ट्रीज़ हैं. एक एप्पल ट्री जो वो उसके ऊपर रेड एप्पल्स लगते हैं और एक के ऊपर ग्रीन एप्पल्स लगते हैं. और अभी जो है ये काफ़ी फ्लावर्स के भी उन्होंने लगाए हुए. सो अब हम आए हैं कि कुछ क्योंकि जब स्नो पड़ती है तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ये बिल्कुल डेड हो जाते हैं स्नो के वजह से. तो हर साल जो है वो फिर नए आपको फ्लावर्स के ट्रीज़ तो सर्वाइव कर जाते हैं लेकिन फ़्लावर्स के लिए आपको दोबारा से प्लांट्स लगाने होते हैं. तो इस वजह से हम जो है वो इधर आए हैं ताकि हम लगा लें. इफ़ यू वांट कि मैं आप लोगों को अपना गार्डन दिखाऊं सो मैं डेफ़िनेटली जो है वो ये फ़्लावर्स को प्लांट करने के बाद मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ शेयर करेंगी. डू लेट मी नो कॉमेंट बॉक्स में. सो आई विल शो यू गाइज़.
इतना कुछ मच व्लॉग नहीं है ये, आई होप कि ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो. आई विल कैच यू गाइज एंड मेक सम नाइस व्लॉग फॉर यू. तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप टू दिस वीडियो. टेक केयर, बाय.